हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया हुआ था, एक्सरसाइज नंबर 31.4 का, जहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के बाद सॉल्यूशन भी कर रहे थे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे हम लोग को दिया गया है, अ मैन्युफैक्चरर मेक्स टू टाइप्स ऑफ कप्स ए एंड बी। एक उत्पादनकर्ता दो तरह का कप बनाता है, पीने वाला कप, पानी पीने वाला, चाहे जो भी बनाता हो, चाय पीने वाला, दो तरह का कप्स बनाते हैं ए एंड बी। थ्री मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द कप्स एंड द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड बाय ईच इज एज गिवेन बिलो। यहाँ पे तीन तरह उस कप्स को बनाने के लिए तीन तरह का मशीन्स लगा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन तीनों मशीन्स में दोनों कप्स को बनाने के लिए कितने कितने मिनट्स, मिनट बोला है, कितने कितने मिनट्स उसको आवश्यकता है वो दिया गया है। और बोलता है ईच मशीन्स इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 आवर पर डे। जितने भी मशीन्स हैं वो अधिक से अधिक यदि काम करेंगे, चलेंगे, तो अधिक से अधिक 6 घंटा काम करेंगे। इफ़ द प्रॉफिट ऑन ईच कप इज़ ₹75 एंड ऑन बी इट इज़ रुपीज़, बोल सकते हैं 50 पैसे, शो करना है 15 कप्स ऑफ टाइप ए एंड 30 कप्स ऑफ टाइप बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर डे टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन में हम लोग को आंसर नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन सीबीएसई का 2005 में पूछा गया है। जस्ट इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जो डिस्कस किए वो सीबीएसई में 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है सीबीएसई 2005 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टेबल हम लोग का एक बना हुआ है और प्रॉफिट दिया गया है किसका जी, कप ए और कप बी का। तो लेट कर लेते हैं आपसे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कप्स ए एंड वाई बी द नंबर ऑफ कप्स बी, बी मैन्युफैक्चर्ड दुर्गता कप्स बनाया गया है। और यहाँ पे जो एक टेबल बना हुआ है, टेबल को बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे टैप्स टैप ऑफ कप यहाँ पे मशीन्स हैं, तीन तरह का मशीन्स, 1, 2 एंड 3, दो कप ए और बी दिया गया है। यहाँ है 12, 18, 6, 6, 0, 9, ये दिया गया है। और प्रॉफिट यहाँ दिया गया है, प्रॉफिट ऑफ ईच कप ऑफ ए इज ₹0.75 एंड ईच कप ऑफ बी इज ₹0.50, ये दिया गया है। तो देयरफॉर प्रॉफिट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.75x प्लस 0.5y। 50y मतलब 0.5y हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को दिया गया है टोटल फॉर ईच मशीन अवेलेबल, फॉर ईच मशीन्स टाइम अवेलेबल
टाइम अवेलेबल पर डे, मैक्सिमम टाइम यहाँ बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम अवेलेबल पर डे इज़ कितना जी, 6 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन ने बोल दिया था कि मैन्युफैक्चर द कप्स एंड एंड द टाइम इन मिनट्स। टाइम जो दिया गया ये मिनट्स में दिया गया है, मिनट में, यहाँ पे दिया गया आवर में, तो बोल सकते हैं यहाँ पे 360 मिनट्स, 6 आवर है मतलब 360 मिनट्स। और ये दोनों तीनों जो मशीन्स हैं वो अधिक से अधिक कितने चलेंगे जी, 360 मिनट। ये भी 360 मिनट चलेगा अधिक से अधिक, ये भी 360 और ये भी 360, क्योंकि अधिक से अधिक तीनों मशीन 6-6 घंटा ही काम कर सकता है। 6 घंटा लगातार चले, छः एक दिन में 6 घंटा चलेगा कौन, मशीन ए। एक दिन में छः, दूसरा मशीन टू भी, वो भी 6 घंटा काम करेगा। मशीन सी भी, थ्री भी जो है वो 3-6 घंटा काम करेगा। तो यहाँ से जो लिख सकते हैं इसके अनुसार से कि मैक्स जेड ये कितना हो जाएगा जी, 0.75x प्लस 0.5y सब्जेक्ट टू, यहाँ पे मशीन ए में टोटल कितना लग रहा है जी, कप मशीन वन में कप ए को बनाने में 12 घंटा 12 मिनट एंड बी को बनाने में 6 मिनट। तो 6y लेस देन और इक्वल टू टोटल हो जाएगा 360। फिर दूसरा में हो जाएगा यहाँ से 18x इज लेस देन और इक्वल टू 360, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 9y लेस देन और इक्वल टू 360। यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू कितना जी, 60। यहाँ से हो जाएगा 18, तो हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 20। यहाँ से हो जाएगा 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 2 6x, 3 3 9, 3 कॉमन लेंगे 100 लेस देन इक्वल टू 120। और हो जाएगा यहाँ से x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हम लोग को क्या हो गया, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हो गया है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हो गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफिकली हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब प्रूव करने बोलता है, तो बोला है देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट 15 कप्स ऑफ टाइप ए, 15 कप्स ऑफ टाइप ए एंड 30 कप्स ऑफ टाइप बी, 30 कप्स ऑफ टाइप बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ये हम लोग को प्रूव करना है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्स जेड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा वो बात अलग है, वहाँ पे प्रॉफिट कितना है वो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक्स का वैल्यू 15 होना चाहिए और वाई का वैल्यू 30, क्योंकि 15 और 30 पर ही मैक्सिमम वैल्यू गेन होगा, मिलेगा। ये हो गया मैथमेटिकली फॉर्मुलेट। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ तक जो है नोट कर रहे हैं, यहाँ इसके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इधर नोट कर लें आप। क्वेश्चन हो क्या गया जी, मैक्स जेड इज इक्वल टू 0.75x प्लस 0.5y सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 20, 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 120, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर से यहाँ से वेरीफाई कर लें, 6 लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा 60, 18 लेंगे यहाँ से कट जाएगा 18 2 20, 3 लेंगे 3 2 6, 3 3 9, 3 लेंगे तो 120। सही है, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा जी, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू 20, फिर हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। अब लेते हैं फ्रॉम 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यदि आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 60,
तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0.60, एंड पुट यदि y बराबर 0 पुट कर दें तो x का वैल्यू 30, तो यहाँ से एक और पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 30.0। फोर लाइन टू के लिए तो लेने की जरूरत दिक्कत नहीं है, हो जाएगा फ्रॉम 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 40, तो देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 0.40, एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 60, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा 60.0। अब यहाँ से क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इधर हो जाएगा x, इधर y, x डैश y डैश ओरिजिन, हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं 10 का, हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर हो जाएगा 70, हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, माइनस 10, माइनस 10। पहला कितना है 0.60 एंड 30.0, ये है 0.60 एंड ये हो गया 30.0। ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। दूसरा कितना है जी, x इज इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20, ये y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा ये लाइन जो है x इज इक्वल टू 20, फिर है 0.40 एंड 60.0, ए लाइन हो गया लाइन नंबर 3। अब देख सकते हैं यहाँ से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो हम लोग कौन सा पॉइंट ले लेते हैं जी, 0.0। कंसीडर अ पॉइंट 0.0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1, ए है 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 60, 0 लेस देन आर इक्वल टू 60 ट्रू। यदि लेंगे फ्रॉम 2, x इज लेस देन आर इक्वल टू 20, तो जगह 0 लेस देन इक्वल टू 20, ये भी हो गया ट्रू। फिर लेते हैं फ्रॉम 3, ए है 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 120, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 120, 0 लेस देन इक्वल टू 20, ये भी क्या हो गया ट्रू। अब देखिए तीनों लाइंस के लिए पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया था, 0.0, उसको सेटिस्फाई किया है, तो ये पॉइंट 0.0 है, लाइन नंबर 1 ये है, तो ओरिजिन की तरफ ये इधर होगा। लाइन नंबर 2 वो भी ओरिजिन को सेटिस्फाई किया, छोटा वाला ट्रायंगल जो है इसके लिए भी ओरिजिन की तरफ है। लाइन नंबर 3 ये भी ओरिजिन की तरफ है। अब तीनों का कॉमन, जहाँ पे तीनों का एरो जो मिलेगा, देखिए ये वाला पोर्शन है, और यहाँ बोल दिया x पॉजिटिव y पॉजिटिव, क्योंकि बोला है वो, तो यहाँ पे x क्या था, नंबर ऑफ कप्स का जो भी प्रोडक्शन होगा और 0 प्रोडक्शन होगा, तो 0 से क्या होगा जी, अधिक होगा। तो देख सकते हैं फिजिबल रीजन जो है वो क्या क्या, बॉन्डेड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे यदि ले ले a, ये हो जाएगा 20.0, यहाँ पे a पॉइंट को मान लेते हैं b, इसका कोऑर्डिनेट अभी नहीं मालूम, यहाँ पे है c, इसका भी कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, डी का कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना 0.40। तो लिख सकते हैं सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ओ ए बी सी डी ओ इज बॉन्डेड,
देयर फोर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है क्या, ओ ए बी सी एंड डी। अब इन जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू निकालना है। चलिए अब यहाँ तक जो है इसको नोट कर लें, यहाँ भी इधर नोट कर लेते हैं, इधर मिटा देते हैं, इधर यहाँ भी इसका कोई यूज भी फिलहाल नहीं है। अब लेते हैं 4b। बी देखिए, ये जो बी पॉइंट है कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है जी, वन एंड टू का। हो जाएगा सॉल्विंग वन एंड टू, तो वन एंड टू एक्स का वैल्यू तो 20 है, तो पुट एक्स इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर वन, तो 2 × 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो जाएगा 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो वाई इज इक्वल टू 20। तो देयर फोर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 20 20। तो यहाँ जो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 20 20। अब कौन सा पॉइंट लेंगे जी, 4c। अब देखिए जो पॉइंट सी है ये कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है, वन एंड थ्री का। सॉल्विंग वन एंड थ्री, वन एंड थ्री को सॉल्व करते हैं, देखिए दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो वन माइनस थ्री यहाँ हो जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 60, 2x + 3y इज इक्वल टू 120, माइनस 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 ये कट जाएगा, -2y इज इक्वल टू -60, वाई वाई विल कैंसल, तो हो जाएगा सॉरी एक्स माइनस माइनस विल कैंसल, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से जी, 30। इस y का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दे, तो फ्रॉम वन तो टू 2x + 30 इज इक्वल टू 60, तो 2x इज इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू 15। तो देयर फोर यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 15 15 30, जहाँ जो C का जो कोऑर्डिनेट हो गया 15 एंड 30। अब जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स थे उन चारों कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है, तो देयर फोर बोल सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स ए ए का कोऑर्डिनेट हो गया कितना जी, 20 0, फिर बी 20 30, सी 15 30, डी 0 40 एंड ओ ये हो गया 0 0। पांच कॉर्नर पॉइंट्स थे, पांचों कॉर्नर पॉइंट्स का हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। अब क्या करना है, सिंपल, इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या करना है, उसका जेड का वैल्यू निकालना है। चलिए इधर नोट कर लें, तो ये हो जाएगा इधर कॉर्नर पॉइंट्स जेड इज इक्वल टू 0.75x + 0.5y। यहाँ जो पॉइंट हो गया 0 0, फिर ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना जी, 20 0, बी का हो जाएगा कितना 20 30, सी हो जाएगा 15 30 एंड डी हो जाएगा 0 40। पांच कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे वैल्यू निकाले क्या, तो हो जाएगा 0, यहाँ 0 वैल्यू निकाले 0.75 × 20 + 0। यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 15, क्योंकि इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हो जाएगा, लिख सकते हैं 7.5 × 2, 7.5 मतलब 15, ये हो जाएगा यहाँ से 0.75 × 20 + 0.5 × 30, तो ये हो जाएगा कितना 15 प्लस और 30 का हाफ हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा जी, इसको इसका वैल्यू आ जाएगा यह 30।
यहाँ पे वैल्यू पुट करें हो जाएगा 0.75 इंटू 15 प्लस 0.5 इंटू 30। अब 0.75 को यदि आप 15 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 इंटू 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लें। यहाँ पे देखिए हम लोग कितना 20 20 आया है बी का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख दिए हैं कितना 20 30, गलती से लिख दिए हैं। यहाँ भी कितना हो जाएगा जी 20 20, तो हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 15 और प्लस ये कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 25। अब यहाँ से 0.75 को यदि आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11.25 प्लस अरे हो जाएगा 15, तो 15 और 11 ये हो जाएगा 26.25, हो जाएगा 26.25 और जेड इज इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस होगा 0.5 इंटू 40 मतलब हो जाएगा 20। और देखिए इन चारों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है जी, तो यह ये वाला है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देयरफॉर मैक्स जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 26.25 एट कितना कितना जी 15 एंड 30। यही हम लोग को प्रूव करना था कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब कप ए 15 बनाएगा और कप बी कितना बनाएगा जी, तो 30 बनाएगा, तब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यही हम लोग को प्रूव करना था, और जो क्वेश्चन हम लोगों ने क्या क्या प्रूव भी किया हुआ था सेम चीज़ को, अभी अभी हम आंसर भी यही आया है। चलिए अब इसको नोट कर लें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही सावधानी से, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत प्लस माइनस या तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी गलत होगा तब आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिसमैच, आपका आंसर नहीं मिलेगा, तो उस केस में हमें बहुत ही सावधानी बरतना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है अ फर्म मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी। एक फर्म जो है दो तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बनाती है ए और बी, एंड सेल्स देम एट प्रॉफिट ₹5 एंड पर यूनिट ऑफ टाइप ए एंड ₹3 पर यूनिट ऑफ टाइप बी। पर प्रॉफिट पहले ही दे दिया है तो लेट कर लेते हैं 6 नंबर। ये भी क्वेश्चन जो है CBSE में 2000 में पूछा हुआ, लेट कर लेते हैं लेट। एक्स बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए एंड वाई बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी, बी मैन्युफैक्चर्ड इन फर्म। अब यहाँ फिर बोलता है टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया गया है पर यूनिट ऑफ एक ए प्रोडक्ट ए का पर यूनिट पर प्रॉफिट है ₹5 एंड प्रोडक्ट बी पर कितना है 3 यूनिट्स। बोलता है इच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन टू मशीन्स M1 एंड M2, और इच प्रत्येक प्रोडक्ट जो है दो मशीन में बनते हैं, एक मशीन है M1, दूसरा मशीन को नाम रखा गया M2। वन यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1 एंड 2 मिनट्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M2। टाइप ए जो प्रोडक्ट बना है उसको बनाने के लिए मशीन वन में M1 में 1 मिनट काम कर 1 मिनट रहे 1 मिनट लगता है, और M2 में कितना लगता है जी 2 मिनट। 1 मिनट ऑफ टाइप M1 एंड 2 मिनट्स ऑफ M2, ठीक है। फिर M2 वेयर एज 1 यूनिट ऑफ टाइप बी, और टाइप बी को बनाने के लिए रिक्वायर्स 1 मिनट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1 एंड 1 मिनट ऑन M2। टाइप बी को बनाने के लिए M1 एंड M2 दोनों में 1 मिनट लगता है, लेकिन टाइप 1 को बनाने के लिए एक M1 में 1 मिनट और M2 में 2 मिनट लगता है। बोलता है मशीन्स M1 एंड M2 आर रिस्पेक्टिवली अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 5 आवर्स, अधिक से अधिक 5 घंटा काम करेगा M1 और अधिक से अधिक 5 6 घंटा काम करेगा M2। देखिए उधर जो दिया गया यूनिट्स मिनट्स में, यहाँ दिया गया आवर में, तो क्या करना होगा, आवर को मिनट में चेंज कर दीजिए या तो मिनट को आवर में चेंज कर दीजिए। बोलता है फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट शुड द फर्म प्रोड्यूस अ डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली।
तो यहाँ से इसको हम लोग टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रिसोर्स, प्रोडक्ट जो बन रही है दो तरह का प्रोडक्ट ए एंड दूसरा बी, अवेलेबिलिटी प्रॉफिट दिया गया है यहाँ पे रुपीज़ 5 एंड रुपीज़ दिया गया है 3। दो तरह का मशीन है, एक मशीन है M1 और M2। टाइप 1 में मशीन में 1 मिनट लगता है मशीन M1 में एंड 2 मिनट M2 में, और इसमें दोनों में कितना लगता है जी 1 मिनट लगता है। टोटल टाइम अवेलेबल है 5 आवर, अधिक से अधिक कितना है 5 आवर, या तो इसे लिख सकते हैं 5 × 60 तो कितना हो जाएगा 300, और यहाँ दिया गया 6 आवर तो 6 आवर है, इसी को लिख सकते हैं कितना 360 मिनट्स। अब यहाँ से इसको लोट लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 5x + 3y, इसी को हम लोग जेड मानते थे, हो जाएगा 5x + 3y, और प्रॉफिट को क्या करना है जी मैक्सिमाइज, तो यहाँ से हो जाएगा मैक्स जेड इज इक्वल टू 5x + 3y सब्जेक्ट टू, यहाँ हो जाएगा x + y < 300, ये हो जाएगा 2x + y < 360, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने क्या किया मैथमेटिकली इसको फॉर्मुलेट कर लिए हैं। अब जब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट हो गया है तो इसको क्या करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब यहाँ से हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने का मेथड हम लोग जानते हैं क्या करना होता है जी। सबसे पहले इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे जैसा कि हर क्वेश्चन में किए हुए हैं, फिर इन इक्वेशंस के लिए कम से कम 2 पॉइंट लेकर के लाइन ड्रॉ करते थे, और इन दोनों लाइन्स के लिए कोई एक पॉइंट लेते थे ताकि रीजन को सेट कर सकें, और सेट देखते थे शेडेड पोर्शन यदि बॉन्डेड है कि अनबॉन्डेड है, और उस शेडेड पोर्शन के रहते कौन कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालते थे, और उन कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को कहाँ पुट करते थे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था जेड में पुट कर देते थे, और मैक्स बोला है तो वहाँ पे जो मैक्सिमम जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू होता था वो उसका आंसर होता था, और मीन बोलता था तो जेड का जो मिनिमम वैल्यू होता था तो वो आंसर होता था। तो ये हम लोग प्रोसेस बहुत पहले किए हुए, ये समझिए आपका जो होमवर्क है ये यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा कितना आंसर होगा, सो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए तभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया, अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।